मेरे को जो है ना चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है एंड ट्रस्ट मी कि मैं ये जो मोटा हो रहा हूँ ना, तुम लोगों को लगता है कि रचित भाई मोटी हो रही है, उसका वन ऑफ द मेन रीजन है कि भाई मैं चिप्स बहुत ज्यादा खाता हूँ। अब स्कूल टाइम से ही ना एक बहुत बड़ी सी बहस चलती है कि कौन सा चिप्स सबसे अच्छा है, क्या लेस का ब्लू वाला वर्जन अच्छा है या लेस का ब्लैक, मतलब ब्लैक वर्जन कौन सा आता है लेस का। बट आई मीन तुम लोगों को पता है कि बचपन से ही ये एक चीज बहुत ज्यादा चलती हुई आई है कि सबसे बढ़िया चिप कौन सा है। एंड गेस व्हाट, आई नो तुम लोग बिलीव नहीं करने वाले हो, ये पूरी चीज चिप्स से ही भरी है। इसके अंदर वो सारे के सारे चिप्स हैं जो कि तुम लोग को मार्केट में मिलते हैं। मैंने कोशिश तो करी है सारे चिप्स लाने की, अब साइज से एक दो मिस भी हो गया होगा। बट बॉयज द मेन थिंग, आज के दिन में ये सारे चिप्स को खाने वाला हूँ, इनको जो है मैं इनको रैंक भी करने वाला हूँ इस टियर लिस्ट के साथ। यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने ये सारे चिप्स का यहाँ पे फोटो डाला है एंड यहाँ पे इनका एक टियर लिस्ट बनाया है, यानी जो मेरे को सबसे अच्छा चिप लगेगा उसको मैं सबसे ऊपर डालूंगा जो कि है गॉड लेवल, जो मेरे को ठीक ठाक ग्रेट टाइप का चिप लगेगा उसको मैं ग्रेट में डालूंगा एंड जो मेरे को लगेगा ओके मतलब ओके ठीक है उसको मैं ओके में डालूंगा एंड जो चिप मेरे को खराब लगेगा कि यार ये चिप इतना बिल्कुल खराब है ठीक है उसको मैं बैड में डालूंगा एंड जो चिप मेरे को बिल्कुल बाहेदा लगेगा जो कि इतना ज्यादा खराब है खाने में जिसको एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए उसको मैं डालने वाला हूँ नो में। ओके लेट्स स्टार्ट। ओके तो सबसे पहला ये बॉक्स निकला है, आई डोंट नो इसमें कौन कौन से चिप्स है। ओके तो हमारा सबसे पहला चिप्स है जो कि है हल्दीराम का चिप्स क्लासिक वर्जन। एक्चुअली मैंने ये चिप्स सबसे कम खाया है लेकिन मेरे को पता है कि हल्दीराम के चिप्स बहुत ज्यादा टेस्टी होते हैं एंड ये है उसका क्लासिक वर्जन। ओके लेट्स सी। ओके एक्चुअली ना मैंने इसको जितने बार भी खाया है ना मेरे को ये चिप्स उतना पसंद नहीं आया। यहाँ पे मैं जो भी अपने ओपिनियन दे रहा हूँ ना वो बस मेरे ओपिनियन है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे को पसंद नहीं आया तो बहुत खराब चिप्स है ठीक है। ये मेरे को पसंद नहीं आया इसका मतलब मेरे को पसंद नहीं आया, तुमको पसंद आ सकता है ये। यस लेकिन जो भी चिप का इस तरीके का डिजाइन होता है ना वो चिप मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है। ये बहुत नॉर्मल चिप है जिसमें बस नमक है थोड़ा सा, मैं इसको खा सकता हूँ लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर सकता हूँ, इतना अच्छा नहीं है ये। इसको मैं डालने वाला हूँ ओके मैं। ये चिप्स का और लाइक ओरिजिनल वर्जन है ठीक है, जो हल्दीराम के चिप्स आते हैं उसका ये ओरिजिनल वर्जन है एंड ये मेरे को ओके लगता है ठीक है, इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगता है ये, बट स्टिल मेरा मन कर रहा है और ज्यादा खाने का। सेकेंड चिप्स जो हमारे पास है ये भी है हल्दीराम का, ये कौन सा है, ये जो ब्लू कलर में आता है हल्दीराम का, तो ये है टैंगी टमाटो ठीक है। तो ये है हल्दीराम का चिप्स टैंगी टमाटो एंड मेरे को टैंगी टमाटो चिप्स बहुत ज्यादा पसंद है। एंड तुम लोगों ने नोटिस किया हो ना, इन्होंने एक चीज बहुत अच्छी करी है, इन्होंने ना एक्चुअली ये डिजाइन बदल दिया है ठीक है ना। ये जो चिप्स का डिजाइन है ना इसमें थोड़ी सी ये लाइनिंग आ जाती है ना, ये लाइनिंग मेरे को बहुत पसंद है। ये एक्चुअली में अच्छा है, मेरे को ब्लू कलर वाला जो मतलब की चिप्स आते हैं ना वो मेरे को पसंद है, हल्दीराम का है स्टिल मेरे को जो है ना ये अच्छा लगा है। तो ये था हल्दीराम का टैंगी टमाटो एंड इसको मैं डालने वाला हूँ कंफ्यूज्ड, गॉड लेवल में डालूं या ग्रेट में डालूं। ग्रेट मेरे को बहुत अच्छा लगा है। अभी हम लोग के पास बहुत सारे चिप्स हैं अलग अलग कंपनी के, इतनी जल्दी मैं इसको गॉड लेवल में नहीं डाल सकता हूँ। ओके बॉयज नेक्स्ट हमारे पास है हल्दीराम का चिप्स जो की है पुदीना ट्रीट। मैंने ये वाला पुदीना लाइक पुदीना वाला चिप्स कभी भी नहीं खाया है, मेरे को पुदीना ही इतनी पसंद नहीं है ठीक है। तो आई डोंट नो ये मेरे को कैसा लगेगा। ओह माय गॉड इसकी स्मेल मेरे को अच्छी नहीं लगी, इसकी स्मेल मेरे को पसंद नहीं आई, पर टेस्ट में इतना बुरा नहीं है, लाइक बुरा है ये टेस्ट में बहुत बुरा है, मैं इसको कभी भी पूरा खत्म नहीं कर पाऊंगा। नो आई डोंट नो ये पुदीना वाला चिप्स किस किस को पसंद आता है, लेकिन नहीं चाहे मैं भूख से मर जाऊं लेकिन ये वाला चिप्स मैं नहीं खाने वाला हूं कभी भी। ओके है, मेरे को पुदीना इतनी पसंद नहीं है तो ये वाला फ्लेवर मेरे को अच्छा नहीं लगा, इसको मैं डालने वाला हूं बैड में। तो बॉयज नेक्स्ट हमारे पास है हल्दीराम का मस्त मसाला। ओके मेरे को मसाला चिप्स बहुत पसंद है एंड ये चिप आई थिंक मैंने कभी खाया नहीं है ठीक है, ये वाला तो मेरे को ये मैं इसको फर्स्ट टाइम टेस्ट कर रहा हूं, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा होगा। यार टेस्ट बहुत अजीब सा है यार। ओके मतलब मेरे को इतना खराब नहीं लगा है, इसको इन्होंने जो है ना वो ब्लू टाइप के लेस जैसे बनाने की कोशिश करी है ठीक है, मसाला टाइप, लेकिन ये ब्लू जितना अच्छा नहीं है, ब्लू वाला चिप मेरा फेवरेट है। बट उनका ये जो फ्लेवर है टैंगी टमेटो ये मेरे को काफी अच्छा लगा है, जो ये मसाला वाला चिप था ना इसको मैं डालूंगा ओके में, ओके था लेकिन इतना अच्छा भी नहीं था। ओके बॉयज
अभी हमारे पास है हल्दीराम की एक चीज जो कि है टकाटक। मेरे को टकाटक मैं खाता हूँ, मेरे को इस तरीके के टकाटक पसंद है। लेट्स सी मैं टकाटक को किस में डालता हूँ। अभी मैं इसको टेस्ट करूंगा एंड लेट्स सी आई एम एक्सपेक्टिंग कि मेरे को अभी टेस्ट। टकाटक का मसाला काफी अच्छा है। ओके टकाटक अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। टकाटक को डालने वाला हूँ। ओके ओके मैं इट्स नॉट बैड ना ही ग्रेट और गॉड लेवल तो बिल्कुल नहीं है। अभी हमारे पास एक चिप है जिसका नाम है चाचा चौधरी चिप्स। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने चाचा चौधरी चिप्स खाए हैं। ये भी मैं लेके आया हूँ एंड इसको मैंने बहुत पहले आई थिंक खाया था एंड मेरे को पसंद आया था ये थोड़ा सा। इट्स गुड। मैं तुम लोगों को बताऊं जो सॉल्टेड चिप्स होते हैं ना, जो येलो वाले क्लासिक सॉल्ट वाले चिप्स होते हैं, ये वाला चिप चाचा चौधरी का ये चिप मेरे को इससे ज्यादा पसंद आया है। बताओ मेरे को हल्दीराम के चिप्स से ये वाला चिप ज्यादा पसंद आया है। इसका टेस्ट एक्चुअली ज्यादा अच्छा है। इसका टेस्ट अच्छा है बट स्टिल हल्दीराम का क्लासिक वर्जन इट्स ओके, खराब नहीं है। तो मैं डालने वाला हूँ चाचा चौधरी चिप्स को ओके ओके मैं। ओके एक और चीज है हमारे पास चाचा चौधरी की जो की है चाचा चौधरी स्टिक्स, क्रिस्पी एंड क्रंची। ये है चाचा चौधरी के स्टिक्स। नहीं मैंने चाचा चौधरी के स्टिक्स इससे पहले कभी भी नहीं खाए हैं। ये जो है ना ये आई थिंक टकाटक टाइप का ही है। ये तुम लोग देखोगे, रुको पहले मैं खा लेता हूँ। ये तुम लोग देखोगे तो ये टकाटक जैसे ही मतलब ये है, ठीक है ब्रो। मेरे को ये टकाटक से ज्यादा अच्छा टेस्ट कर रहा है। इट्स गुड, ये मैं पहली बार खा रहा हूँ एंड मेरे को ये बहुत अच्छा लग रहा है। मसाला इज गुड, आई लाइक दिस। ये टकाटक से बेटर है, तुम मेरे से लड़ लो लेकिन आई एम टेलिंग यू मेरे को ये टकाटक से ज्यादा अच्छा लगा है। इसको मैं डालने वाला हूँ ग्रेट। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं चाचा चौधरी स्टिक्स को ग्रेट चिप्स में डालूंगा। ओके बॉयज अभी हमारे पास है स्नैक लाइट। तो स्नैक लाइट मैंने आज से पहले कभी भी नहीं चखा है। इसके अंदर है मैजिक मसाला फन फिंगर्स। मैं फन फिंगर्स मैंने एक्चुअली कभी भी चिप्स में खाई नहीं है एंड इफ तुमको ना पता हो तो ये बहुत कॉस्टली भी है। ये 25 रुपए का आता है और इसमें बहुत ज्यादा कैलोरीज है, 500 कैलोरीज है इस बॉक्स के अंदर। ओके तो इसके अंदर इस तरीके की ये फिंगर्स है। मैं फर्स्ट टाइम इसको टेस्ट कर रहा हूं। ओके ये चीज को तुम खा सकते हो। ओह माय गॉड इट्स गुड, मैंने इससे पहले इसको कभी क्यों नहीं खाया। ओके इसमें सब कुछ है जो मेरे को पसंद है। इसमें मिर्ची है, मसाला है एंड सबसे बढ़िया चीज इसमें जो है ना लाइक इसको बहुत अच्छे से बेक किया गया। क्या बोलूं, जब ये मुंह में जाता है ना तो वो साउंड जो आता है ना जब इसको खाते हैं, मजा आ गया। ऐसे तुम लोगों ने सुनी होगी। ओके आई लाइक दिस, मेरे को स्नैक लाइट पसंद आया है। मैं रिकमेंड करूंगा कि तुम लोग स्नैक लाइट को चख सकते हो। मैं स्नैक लाइट को डालने वाला हूँ ग्रेट में। देन ये है स्नैक लाइट का एक और वर्जन जो कि है फन व्हील्स। ये है स्पाइसी मसाला स्नैक। तो इसके अंदर जो है ना डिफरेंस यही है कि इसमें आई थिंक ये फ्लेवर डिफरेंट है इसका एंड इसमें जो चिप्स है वो व्हील्स के शेप में है। इससे पहले जो हम लोगों ने खाया था वो था फन फिंगर्स। ओ माई गॉड लुक एट दिस व्हील्स यार। ओके ये भी अच्छा है, पसंद आया ये मेरे को, लेकिन ये फन फिंगर्स से अच्छा नहीं है। मैं स्नैक लाइट जो ये व्हील्स वाला था इसको मैं डालने वाला हूँ ओके ओके मैं। ये इतना अच्छा नहीं था एंड बस ठीक ठाक था, बढ़िया बढ़िया। देन हमारे पास है स्नैक लाइट की सोया कटोरी। इसका जो फ्लेवर है वो है मिल्ड मसाला। तुम लोग मिर्ची देख सकते हो इसके यहाँ पर। भाई ये स्नैक्स का मैंने नाम भी नहीं सुना था पहले। ओ इसके अंदर भाई ये छोटे छोटे से कप्स हैं। कटोरी सी है। नो ब्रो इसका टेस्ट नहीं है कुछ। इट्स फाइन लेकिन ना स्पेशल टेस्ट नहीं आया है इसमें। तो मैं इसको डालने वाला हूँ बेड में। जो इसके ऊपर वाले थे स्नैक लाइट का वो व्हील वाला जो था ना एंड जो फन फिंगर्स थी, फन फिंगर्स तो मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आए लेकिन ये सोया कटोरी आई डोंट नो मेरे को पसंद नहीं आया। ओके गाइस अभी बारी आ चुकी है लेस की। ओके मैं देखो जो है ना तुम लोगों को सच बात बताऊं, मैं सबसे ज्यादा चिप्स जो है ना वो लेस के ही खाता हूं। लेस के चिप्स मेरे को भाई कितना खा लिया अभी, मेरे को डकारे आ रही है। तो ये है लेस का क्लासिक वर्जन, ठीक है सबसे क्लासिक वर्जन लेस का येलो वाला। अभी कंपैरिजन हो जाएगा कि चाचा चौधरी के येलो वर्जन में, ठीक है हल्दीराम के क्लासिक वर्जन में या लेस का क्लासिक वर्जन कौन सा ज्यादा अच्छा है। ओके लेट्स सी। ओ माय गॉड मैं इसको स्ट्रेट अप बेड में डाल सकता हूँ। हल्दीराम का येलो वाला वर्जन था ना वो
इससे बढ़िया था। लेस का येलो वर्जन इज नॉट गुड। बोलो ये एक्चुअली में अच्छा नहीं है यार, इसमें नमक है ही नहीं अच्छे से। जो मैंने येलो वाले चिप्स चखे है ना अभी तक, उसमें से ये चाचा चौधरी के जो चिप्स थे ना, वो मेरे को सबसे अच्छे लगे हैं टेस्ट करने में। ओके बॉयज, अभी हमारे पास है लेस का एक और फ्लेवर जो कि है स्पेनिश टमाटो टैंगो फ्लेवर। ओके, नाम बहुत बढ़िया है एंड लाल है इसका मतलब भाई इसमें मिर्ची होने वाली है काफी तगड़ी। ओके, आई एम एक्सपेक्टिंग कि ये अच्छा होगा। इट्स ग्रेट 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 में आ जाएगा। आई लाइक दिस फ्लेवर एंड चिप्स का डिजाइन है ना, लाइक ये लाइन स्पाइंस, ये मेरे को बहुत अच्छे से लाइक मतलब कि कुक किया गया है, ठीक है, ना ज्यादा कर रहा है, मतलब आई लाइक दिस। मेरे को ये फ्लेवर पसंद है एंड ये वाला लेस का चिप मेरे को बहुत अच्छा लगा है। इस रेड लेस को किस में डालूं, बैड में डालूं, ओके में या ग्रेट में? एंड मेरे हिसाब से मैं इसको डालने वाला हूं ग्रेट में। ये बहुत ज्यादा अच्छा था, इसको जो है ना मैं गोल्ड लेवल में डालने वाला हूं। मैंने दोबारा चखा है, मैंने रियलाइज किया ये एक्चुअली में बहुत ज्यादा अच्छा है, तो इसको मैं चेंज करके गोल्ड लेवल में डालूं। ओके बॉयज, अभी हमारे पास है लेस का अमेरिकन स्टाइल क्रीम एंड ऑनियन फ्लेवर। मैं तुम लोगों को बिल्कुल सच सच बताऊंगा। ओके, मैं सबसे पहले अपना ओपिनियन चेंज कर सकता हूँ, इसलिए पहले मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ। ये चिप दिखने में बहुत अच्छा लगता है, ठीक है ना, लाइक बहुत अच्छे से लाइक इसकी डिजाइन होगी एंड ऊपर ये ग्रीन ग्रीन से कुछ इसके ऊपर डले होंगे। एंड जब तुम इसको टेस्ट करोगे, ओह माय गॉड, सी मेरे पे गुस्सा मत होना, लेकिन ये लेस ब्रो ये अच्छा नहीं है। या तो मेरे को साइज से ऑनियन फ्लेवर पसंद ही नहीं आते हैं, मेरे को ये पसंद नहीं आता। इसमें चीज डला हुआ है, ठीक है ना, क्रीम भी डली हुई है, पता नहीं क्या क्या है इसके अंदर। उतना अच्छा नहीं है, लेकिन इतना खराब भी नहीं है मेरे हिसाब से। जस्ट कि मेरे को बहुत खराब लगता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सबको खराब लगे। इसको मैं डालने वाला हूं ओके ओके में। इफ मेरे पे चॉइस दी जाए क्या मैं इसको खाऊंगा और सिर्फ एक ही, यही सिर्फ एक चिप हो, ठीक है, इसके अलावा कोई और चिप्स ना हो, तो मैं ये वाला खा लूंगा। लाइक लेस का ये रेड वाला रख दिया जाए तो मैं ग्रीन वाला कभी नहीं खाऊंगा, ग्रीन वाला मेरे को इतना अच्छा नहीं लगता है। ओके, हमारे पास है अभी ये लेस का वेफर स्टाइल। ओके, ये वाला जो चिप्स है मैंने कभी भी नहीं खाया है एंड ये 20 रुपए का आता है भाई। ये चिप्स, ये वाला लेस का चिप मैं सबसे पहले खाने वाला हूँ, मतलब ये फर्स्ट टाइम है कि मैं इसको खा रहा हूँ। मैं इसको टेस्ट करूंगा तभी डिसाइड कर पाऊंगा। ओके, इस चिप का बिल्कुल डिजाइन अलग है, जैसे लेस के चिप्स होते ना वैसा ये नहीं है। ओके, अच्छा है ये क्लासिक सॉल्ट है, ठीक है। ये लेस का जो येलो वाला आता है ना, उसी के लाइक फ्लेवर में है थोड़ा थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ये उससे बहुत ज्यादा मतलब बेटर है। ये है सबसे अच्छा सॉल्ट फ्लेवर, दिस इज ग्रेट। मेरे को लगा नहीं था कि मैं कोई सॉल्ट वाला जो चिप है ना उसको मैं ग्रेट में डालूंगा। जितने भी येलो कलर में जो आते हैं ना चिप्स, उन सबका मोस्टली फ्लेवर होता है सॉल्ट, ठीक है, सबसे सबसे बढ़िया फ्लेवर मेरे को ये लगा है। ओके, अभी मेरे सामने है बहुत मोस्ट अवेटेड चिप जिसको मैंने उल्टा पकड़ रखा था, बट इट्स लेस बेबी मैजिकल मसाला, मेरा फेवरेट चिप्स। मतलब देखो, या तो सिर्फ मैं ऐसा सोचता हूँ या तो सच्ची में ऐसा है कि जितने भी चिप्स आते हैं उनका जो ये ब्लू वाला वर्जन है ना, ठीक है, जिसकी पन्नी पे ब्लू होता है, वो सबसे बेस्ट है, उनका फ्लेवर सबसे अच्छा है। इसको देखो भाई, ये दूर से ही रेड लग रहा है भाई, ओ भाई गॉड, लुक एट दिस। टेस्ट करता हूँ मैं इसको, इसका कॉम्पिटिशन होने वाला है सीधा चिप्स से। ओके, मैं जो है ना इन दोनों में डिसाइड करने में कंफ्यूजन हो रहा है मेरे को। एक तो भाई इन दोनों की ब्रांडिंग भी बिल्कुल सेम कर दी है, कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सा लेज है कौन सा हल्दीराम चिप्स है। अभी मैं करने वाला हूँ इसके साथ ही साथ हल्दीराम का, दोनों को साथ में टेस्ट करता हूँ। ये जीत गया बॉयज, लेकिन दोनों का फ्लेवर डिफरेंट है। ये वो है टैंगी टमाटो एंड ये है मैजिक मसाला, बट स्टिल ये बहुत अच्छा है। इसको मैं डालने वाला हूँ गोल लेवल में। लेस का जितने भी नॉर्मल वर्जन आते हैं ना, नॉर्मल जो फ्लेवर आते हैं लेस के, उसमें से ये सबसे फेवरेट है मेरा। तो बॉयज, अभी है हमारे पास लेस का मैक्स। मेरे स्कूल टाइम में मैक्स बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, सारे बंदे भाई मैक्स को खरीदते थे, बोलते थे क्या ही चिप्स है, ठीक है, क्योंकि ये सबसे महंगा चिप था मेरे हिसाब से। सबसे अच्छी चीज इसकी पता क्या है, लाइक जिसकी वजह से ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ था, इसके जो चिप्स थे ना उनमें ये लाइनिंग और भी ज्यादा मोटी हो गई थी, मतलब बहुत ज्यादा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे, तुम लोग देख सकते हो डिफरेंस। लेट्स सी, टेस्ट करते हैं इसको। इसमें मिर्ची है, ये बात सच है, ये सबसे ज्यादा मिर्ची वाला है। लेस मेरे को जो है ना एक ग्रेट चिप लगता है, ये खराब नहीं है एंड ना ही बहुत ज्यादा अच्छा है, मतलब बहुत ज्यादा ही अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब गॉड लेवल नहीं है,
लेकिन ओके ओके भी नहीं है। तो इसको मैंने रखा है ग्रेट में। अभी तक गॉड लेवल सिर्फ ये दो जो है ना, मेरे हिसाब से ये गॉड लेवल ही है। मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आया, मेरे को कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन मैक्स अच्छा है यार, मैक्स का टेस्ट अच्छा है यार, मैं इसको गॉड लेवल में डालूंगा। मैं इसलिए इसको गॉड लेवल इसलिए डाल रहा हूँ, वरना तुम लोग कहोगे कि भाई मेरे को तो सिर्फ जो है ना ये ब्लूज वाले ब्लू कलर के लेजी पसंद आते हैं। मेरे हिसाब से मैक्स एक्चुअली बहुत अच्छा है, तो इसको गॉड लेवल में ही रहने देता हूँ। तो गाइस अभी हमारे पास है अंकल चिप्स। ओके, अंकल चिप्स बहुत पॉपुलर है हमारे इंडिया में, एंड बचपन में मैंने अंकल चिप्स बहुत ज्यादा खाया है। एंड मेरे को ये जो है ना स्पाइसी ट्रीट है, इनका स्पाइसी ट्रीट वाला फ्लेवर, एंड इनका जो है ना मेरे को चिप्स का डिजाइन बहुत पसंद है, एंड इनका लोगो भी बहुत पसंद है मेरे को। okay, इसको टेस्ट करते हैं। ये भी पुदीना वाला फ्लेवर है ना इसका साइज से। ओके, ओ माय गॉड, दिस इज नॉट द बेस्ट, मेरे को इतना ज्यादा अच्छा नहीं लगा ये, आई एम सॉरी अंकल चिप्स। ओके, मैं जो है ना अंकल चिप्स को डालने वाला हूँ। ओके ओके, मैं ये ग्रेट नहीं है और गॉड लेवल तो बिल्कुल नहीं है ये, इट्स ओके ओके चिप, बहुत ज्यादा ये नहीं लगेगा। ओ माय गॉड, मैंने क्या खा लिया है। लेकिन ये जो तीनों तुमने नीचे के तीर ये है ना, ये एक्चुअली में अच्छे नहीं है। ओके, हमारे पास ये है लास्ट थैली, इसके अंदर है आखिरी चिप्स। हमारे पास सबसे पहले है हल्दीराम का पंगा, इसका है ये टेंगी टमेटो, गलत जगह से फाड़ दिया भाई बीच से इसको। ओके, तो ये है पंगा, तो इसमें जो चिप्स है ना वो ट्राइंगल के शेप में आते हैं, एंड मैंने इसको आई थिंक इतना कभी खाया नहीं है, तो मैं इसको टेस्ट करके बताता हूँ कि मेरे को ये कैसा लगा। ओके, इट्स डेफिनेटली गुड। ओके, आई लाइक दिस। इसको मैं डालने वाला हूँ, किस में डालूं, ग्रेट में डालूं कि ओके ओके मैं डालूं, इसको मैं डालने वाला हूँ ग्रेट में। मेरे को अच्छा लगा ये, मेरे को टेंगी टमेटो फ्लेवर पसंद है, चिप्स से थोड़ा सा डिफरेंट लाइक इसका सब कुछ है, ये थोड़ा सा मोटा है ठीक है, एंड इसका डिजाइन भी डिफरेंट है, मेरे को पसंद आया एक्चुअली में, अच्छा है। ओके, अभी हमारे पास है वूपीज। मैंने इससे पहले कभी भी वूपीज नहीं खाई है, लेकिन मैंने सुना है ये काफी पॉपुलर है। तुम लोगों ने अभी कभी इसका नाम नहीं सुना है तो आई एम सॉरी, लेकिन वूपीज के अंदर जो है ना ये होता है, बचपन में एक या दो रुपए का कुछ तो आता था ठीक है, जिसके अंदर अपने को ये सोया बीन्स मिलते थे ठीक है, चीजी सी बॉल्स मिलती थी, एंड ये है वूपीज, इसके अंदर भी सेम यही बॉल्स मिलती है। ओके, नो नो, इसको मैं सीधे डालूंगा नो मैं, ब्रो मेरा पूरा दिस इज बैड, दिस इज रियल बैड। वूपीज का चीज बॉल्स मेरे को एक्चुअली में अच्छा नहीं लगा, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, टेस्ट से ज्यादा इसका जो स्मेल है वो बहुत ज्यादा खराब है। आई डोंट नो तुम लोग इस स्मेल के साथ कोई खाना कैसे खा सकते हो, क्योंकि मैं ऐसी स्मेल के साथ खाना बिल्कुल नहीं खा सकता हूँ। ओके, अभी हमारे पास है स्नैकेबल चिप्स राजमा सालसा। ये जो चिप है, आज से पहले मैंने ना ही इसका नाम सुना था और ना ही मेरे को गूगल पे इसकी बहुत अच्छी अच्छी फोटोज मिली, इसकी फोटोज ही नहीं मिल रही थी मेरे को गूगल पे। तो ये आई थिंक बिल्कुल नया नया चिप्स है जो कि मार्केट में आया है, एंड मैं तुम लोग को बता दूं ये चिप 20 रुपए का है, तो ये महंगा है, एंड आई एक्सपेक्ट कि ये अच्छा होना चाहिए। ओके, इसके चिप्स में एक खासियत है कि इसके चिप्स कुछ इस तरीके की है, इनको और भी छोटा कर दिया गया है, एंड ये सर्किल में नहीं है। ओके, ये अच्छा है, फॉरगेट अबाउट द फ्लेवर। हम लोगों ने वो खाई है ना, मटरी बनाती है ना हमारे घर पे मम्मी ठीक है, एक चीज होती है उसका सेप ऐसा ही होता है ठीक है, कुछ कुछ उसके जैसी टेस्ट में है ये। आई लाइक दिस, आई डेफिनेटली लाइक दिस। मैं राजमा सालसा को डालने वाला हूँ ग्रेट में, इट्स डेफिनेटली ग्रेट। आई डोंट नो तुम में से कितने लोगों ने इसका नाम सुना होगा, लेकिन तुम लोगों को डेफिनेटली इसको ट्राई करना चाहिए। अभी हमारे पास है स्नैकेबल चिप्स का ही ये दूसरा फ्लेवर, जो की है ब्राउन राइस कॉकटेल। ब्रो इन सब की जो, और भाई नीचे गिर रहा है तू, इन सब की जो ब्रांडिंग है ना, इसलिए मेरे को बहुत ज्यादा पसंद आई है, लाइक बहुत अच्छे से इनके ब्रांड किया गया है। इनका चिप का डिजाइन भी तुम लोग देखोगे ना बिल्कुल अच्छा है, राजमा वाला पसंद आया था, आई एम होपिंग कि ये भी एक्चुअली अच्छा ही होगा। ओके, ये राजमा जितना अच्छा नहीं है, एंड इसमें मिर्च बहुत है, इस चीज में बहुत ज्यादा मिर्ची है, किसी अंग्रेज ने इसको खा लिया ना उसकी आंख से आंसू आ जाएंगे। मैं ब्राउन राइस कॉकटेल को डालने वाला हूँ, यार मेरे को ये एक्चुअली में कुछ ज्यादा खास नहीं लगा है, तो मैं डालने वाला हूँ ओके ओके मैं, इस मेरे को ठीक लगा, इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन राजमा वाला अच्छा था। इसमें क्या है, बहुत ज्यादा मिर्च है ब्राउन राइस में, एंड कुछ खास फ्लेवर नहीं लगा मेरे को। ओके, अभी हमारे पास है ब्राउन राइस गपशप, वो था ब्राउन राइस कॉकटेल, ये है ब्राउन राइस गपशप। ओके सर, प्लीज वो कॉकटेल जैसा टेस्ट मत देना, वो मेरे को इतना कुछ खास नहीं लगा था। ओ माय गॉड, ये जो है ना तुम लोग बिलीव नहीं करोगे, ये कॉकटेल से भी खराब है। ओ माय गॉड, इसमें मिर्ची बहुत है।
लेकिन बहुत ज्यादा मिर्ची है यार इसमें, ये अच्छा नहीं है लेकिन। ओके अभी हमारे पास है मूंग दाल नटखट, इसके अंदर मूंग दाल डली है इस चिप्स में। हाँ भाई यार ये बहुत ज्यादा मिर्ची है ये वाले चिप्स में, अभी तक मेरे को बस वो राजमा वाला अच्छा लगा है। ओके होप सो ये अच्छा होगा, दिस इज गुड, ये डेफिनेटली ब्राउन राइस कॉकटेल एंड जो गपशप अभी मैंने खाया उससे बहुत बेटर है, दिस इज डेफिनेटली गुड। मैं नटखट को डालने वाला हूँ ग्रेट में, ये अच्छा है। ओके अभी हमारे पास है आखिरी चिप्स जो की है ब्लैक चना अचारी। भाई क्या क्या नाम है यार, हल्दीराम जी आप चिप्स के क्या क्या नाम रखते हो। ओ माय गॉड मेरी मेरा मुंह जला जा रहा है। ओ डैम मेरे को ये अच्छा नहीं लगने वाला है, इसके मेरे को कलर से ही अच्छा नहीं लग रहा है। ओके ओके दिस इज एक्चुअली ओके ओके, खराब नहीं है ये लेकिन बिल्कुल भी बहुत बेहतरीन तो बिल्कुल नहीं है। ट्रस्ट मी आज के दिन जो है ना, एक कोई चीज मैंने सबसे ज्यादा खराब खाई है वो थी बूपी। बूपी से खराब चीज मैंने आज दिन तक नहीं खाई है, मतलब सिर्फ ऐसा हो सकता है कि मेरे को ही पसंद नहीं आई, बट इसका जो है ना टेस्ट एंड इसकी स्मेल अच्छी नहीं थी। तो मेरे हिसाब से जो है ना ये मेरे को बहुत पसंद आया है। दिस इज गुड। ओके बॉयज तो हमारी फाइनल स्टैंडिंग ये है, हमने गॉड लेवल में 3 चिप्स डाले हैं जिसमें से एक है हल्दीराम का चिप्स टेंगी टमाटो एंड दूसरा है लेस का ब्लू वाला चिप एंड तीसरा है लेस का मैक्स एंड ग्रेट में डाला है चाचा चौधरी का स्टिक। ठीक है तुम लोग मतलब ये पूरी देख सकते हो। ठीक है तो ये है मेरी फाइनल टियर लिस्ट, तो मैंने आज के दिन मोस्टली सारे के सारे चिप्स को चखा एंड मेरे हिसाब से ये 3 बेस्ट है। हो सकता है कि तुम लोग का सोचना अलग हो बट मेरे हिसाब से 3 आर बेस्ट। ओके देन आज के लिए इतना ही, मेरा नाम है रचित एंड मैं मिलूंगा तुम लोग का एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।